जादुई पेड़ का ढोकला। एक दिन सोनी अपने बगीचे में एक छोटा सा बीज बो देती है। फिर वो अगली सुबह उठकर वहाँ जाकर देखती है जहाँ पिछली रात उसने बीज दबाया था। वहाँ तो अब एक बड़ा 6 फुट वाला पेड़ बन चुका था। इतना ही नहीं, उस पेड़ पर बड़े बड़े ढोकले भी उग गए थे। ये देखकर सोनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और फिर वो पेड़ के पास में आकर उन्हें अच्छे से जांचने लगती है। अरे, ये कैसे हुआ? ये मुमकिन कैसे है? कल ही तो मैंने यहाँ बीज बोया था और फिर कल तक तो यहाँ कोई पौधा भी नहीं हुआ, फिर आज अचानक ये इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? सोनी इतना सोच ही रही थी कि तभी उसकी बेटी तन्नू वहाँ आ जाती है और अब तन्नू की भी वही दशा हो गई थी। पेड़ को देखकर तो वो तो हक्की बक्की रह गई। दोनों काफी देर तक पेड़ के पास खड़ी रहती है, फिर दोनों कुछ ढोकले पेड़ पर से उतार लेती है। वो ढोकले बहुत ही स्वादिष्ट थे। बस इसी बात पर दोनों माँ बेटी फिदा होकर बचे हुए कुछ ढोकलों को अपने आजू बाजू के पड़ोसियों में बांट देते हैं। अगले दिन उन ढोकला के स्वाद पर फिदा होकर लोग सोनी के घर पर आकर बार बार ढोकले के बारे में पूछते हैं। और इतना ही नहीं, सोनी ने पिछले दिन जितने ढोकले पेड़ से तोड़े थे उससे दुगने ढोकले आज उसके पेड़ पर लगे हुए थे। वो जितने भी ढोकला तोड़ती उसे अगले दिन अपने पेड़ पर उससे ज्यादा ढोकले मिलते थे। ये देखकर दोनों माँ बेटी आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी वो दोनों ये निश्चय करती है कि अब हमें ये ढोकले मुफ्त में किसी को भी नहीं देने चाहिए। इसके ढोकले बहुत ही स्वादिष्ट है, जिससे उसके ढोकले बहुत ही दुगने रेट में बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में स्वादिष्ट ढोकलों की बात पूरे गांव में फैल जाती है और आजू बाजू के पड़ोसी शहर तक पहुंचती है। हर रोज सुबह पेड़ पर भरकर ढोकले उगते थे और उनके लिए लोगों की लाइन लग जाती थी, वो भी सोनी के घर के बाहर सुबह सुबह। सोनी का पैसे का डब्बा हर रोज पैसों से भर जाया करता था। ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी चीज हो गई थी। कुछ ही दिनों में सोनी का नाम ढोकला से जुड़ गया और अब उसे ढोकले वाली सोनी बोलने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि वो सारे गांव में कम समय में सबसे अमीर बन जाती है। वो अब अपने लिए बहुत ही बड़ा बंगला बनाती है और उस ढोकले के पेड़ के आसपास जाल बंधवा देती है और उस पेड़ के पास एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रख लेती है। एक दिन तन्नू अपनी माँ सोनी के पास जाकर बोलती है, माँ, अभी तक तो मुझे यही बात समझ नहीं आया कि रातों रात इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया। और हाँ, अगर हम उस पेड़ में से सारे के सारे ढोकले तोड़ भी ले तो अगले दिन इससे भी ज्यादा ढोकले उस पेड़ पर कैसे आ जाते हैं? ये सब कैसे मुमकिन है माँ? हाँ, इस मामले में तो मैं भी सोचना भूल गई, पर चलो जो भी हुआ सही हुआ, हमारे फायदे के लिए ही हुआ। अब तो मुझे तुम्हारी शादी की भी कोई फिक्र नहीं है बेटी। इतना कहती ही सोनी को एक बात याद आती है। उस समय जब भी तन्नू के लिए रिश्ते आया करते थे तो कुछ भी सेट नहीं होता था। अगर तन्नू को लड़का पसंद आता था तो उन लोगों को सोनी के यहाँ का मिला दहेज नहीं पसंद आता था, और अगर लड़के ने तन्नू को पसंद कर लिया तो तन्नू को वो लड़का पसंद नहीं आता था। ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखकर सोनी सोचने लगती है कि शायद उसकी बेटी की कुंडली में कोई दोष है, इसलिए वो बहुत सारी पूजा पाठ भी करवाती है। ऐसे ही एक बार वो मंदिर में पूजा करवा कर घर लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक ढोकले का टुकड़ा नजर आता है। उसे लाकर वो घर में घुसने से पहले गार्डन में ही फेंक देती है और कुछ दिन बाद उसमें से एक छोटा सा पौधा उग जाता है और उसमें छोटे छोटे ढोकले आ जाते हैं। और अगले दिन जब वो मंदिर जा रही होती है तब उन ढोकलों को देख लेती है तो वो बोलती है, मंदिर से आकर इन ढोकलों को खाऊंगी। यही सोचते हुए वो मंदिर की ओर चलती रहती है। रास्ते में वो ऐसा सोचती है, अगर मेरे ढोकले कोई चुरा कर ले गया तो? अब सोनी ये फैसला करती है कि वो जल्दी जल्दी मंदिर जाकर भगवान की पूजा करेगी और वहाँ से जल्दी जल्दी वापस आ जाएगी। वापस आते हुए उसे रास्ते में एक साधु नजर आते हैं। उनके पास जाकर वो उनसे पूछती है, स्वामी जी, मैं अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, कृपया करके इसका कोई हल निकाल दीजिए। ठीक है, इस जगह पर बैठकर पूरे मन से प्रार्थना करो। तभी सोनी साधु के सामने बैठकर प्रार्थना तो करती है
पर वो ये सोचती है कि कहीं उसके ढोकले कोई चुरा ना ले। तभी वो अपनी आंखें बंद करती है और बोलती है, हे भगवान, मेरे घर जाने तक उन ढोकलों को संभाल कर रखना, किसी को चुराने मत देना। इस बात की प्रार्थना करके वो उठकर साधु के पास से जाती है और कहती है, आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। तब साधु कहते हैं, जो प्रार्थना तुमने अपने पूरे मन से करी है तुम्हें वह हासिल होगा और वह भी दुगने में। जाओ बेटा। तब सोनी घर आती है तो वो पौधा वहाँ से गायब हो जाता है और वो ये देखकर बहुत निराश हो जाती है। तभी वो अगले दिन जब सोकर उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि 6 फुट लंबा पेड़ ढोकले का खड़ा होता है। अब सोनी को अच्छे से समझ आ जाता है कि ये ढोकले का जादुई पेड़ उसके पास स्वामी जी के आशीर्वाद की वजह से आया था। अब अपने ढोकले की जादुई पेड़ के साथ वो बहुत खुश थी और फिर वो अपनी बेटी तन्नू को ये सारी बातें समझा देती है। तभी तन्नू अपनी माँ की बातों पर हंसकर बोलती है, अच्छा तो आपने वहाँ मेरी शादी के लिए प्रार्थना नहीं बल्कि ढोकले के लिए प्रार्थना करी थी। माँ तुम भी ना। चलो जो भी हुआ हमारा तो भला ही हुआ ना बेटी, ढोकले के पेड़ की वजह से हम कितने अमीर बन गए हैं और अब तो कल ही तुम्हारा स्वयंवर है, तैयार हो जाओ। ये कहकर आजू बाजू और पास के सभी गांव में ये ढिंडोरा पिटवा आती है कि उसकी बेटी की शादी में बहुत अमीर अमीर लोग आए। अब तक तो ढोकला बिकने वाली सोनी तो बहुत ही प्रसिद्ध थी और उस घर का जादुई ढोकले का पेड़ भी, इसलिए उससे रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत सारे अमीर लोग लाइन में लग गए थे। उनमें से एक अमीर और सुंदर दिखने वाले लड़के से सोनी अपनी बेटी तन्नू की शादी करवा देती है। कुछ दिनों बाद जब सोनी की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी तो सोनी जादुई ढोकले के पेड़ के पास बैठकर एक बात सोचने लगती है, उस दिन मुझे इस ढोकले की जगह सोने का ख्याल आया होता तो ढोकले की जगह सोना दुगने में मिल जाता और मैं और अमीर बन जाती। इतना बोलकर सोनी वहां से चली जाती है। अगली सुबह उठकर उस जगह देखती है तो वो चकित रह जाती है कि उस जगह पर वो पेड़ अब नहीं था, वो वापस बीज बनकर जमीन में समा गया था। ये सब देखकर सोनी को पूरी बात अच्छे से समझ आती है कि उसने लालच किया, इसलिए साधु के आशीर्वाद के अनुसार लालच नहीं करना था। इसी वजह से उसने वो जादुई ढोकले का पेड़ भी खो दिया, क्योंकि आशा करना तो ठीक है लेकिन लालच करना तो निराशा के बराबर ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।